अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आईफोन एनालिसिस। रिसेंटली हमें एक रिपोर्ट देखने को मिली है कि ओप्पो जो मोबाइल मैन्युफैक्चरर कंपनी है, ये अपनी खुद की एक सिस्टम ऑन चिप पे वर्क कर रही है, जो कि हमें तकरीबन अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स 2023-24 में आज से एक दो साल बाद देखने को मिलेगी, तकरीबन ओप्पो के तमाम फ्लैगशिप मोबाइल फोन्स में देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर अगर मैं इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन आपको बताऊँ तो ये जो चिप होगी ये 3 नैनोमीटर बेस चिप होगी। अब आज की अगर बात की है तो आज इतने भी मोबाइल फोन्स में हमें फ्लैगशिप मोबाइल फोन में चिप देखने को मिलती हैं। अगर मैं बात करूँ एप्पल की तरफ से 15 बायोनिक चिप की, या फिर स्नैपड्रैगन 888 चिप, सैमसंग के एक्जीनोस चिप, या फिर रिसेंटली जो गूगल ने अपनी टेंसर चिप को रिलीज किया है उसकी बात की जाए, तो ये तमाम हमें जो देखने को मिलती है हमें ये 5 नैनोमीटर बेस देखने को मिलती हैं। तकरीबन आने वाले एक दो साल में हमें जो देखने को चिप्स मिलेंगी वो हमें 3 नैनोमीटर बेस देखने को मिलेंगी, तो ओप्पो की तरफ से भी जो तब रिलीज की जाएगी वो हमें लेटेस्ट 3 नैनोमीटर देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे खास बात यह है कि ओप्पो जिस कंपनी मैनुफैक्चर से बात कर रही है चिप बनाने के लिए वो TSMC है। अभी वही कंपनी है, वही मैनुफैक्चर है जिनसे एप्पल अपनी एवियोनिक चिप मैनुफैक्चर को आता है, जो हमें तमाम एप्पल की तरफ से आईफोन्स में देखने को मिलती हैं। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें जो चिप की क्वालिटी देखने को मिलेगी वो हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे ये अपनी खुद की चिप बनाने का यहाँ पे हमें फ़ायदा ये देखने को मिलता है, कोई भी अगर कंपनी अपनी खुद की चिप, अपने खुद के डिज़ाइन की चिप बनवाती है तो यहाँ पे हमें जो ऑप्टिमाइजेशन देखने को मिलती है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। जैसे कि हमें एप्पल की तरफ से एप्पल अपनी खुद की चिप को डिज़ाइन करता है A50 एवियोनिक चिप्स को, और बाद में हमें जो एप्पल की तरफ से ऑप्टिमाइजेशन देखने को मिलती है, जो स्मूथनेस देखने को मिलती है वो हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। सेम हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमें ओप्पो की तरफ से देखने को मिलेगी, जैसा कि हमें रिसेंटली गूगल की तरफ से भी देखने को मिली है। जितने भी हमने रिव्यूज़ देखे हैं वो यही इंडिकेट कर रहे हैं कि हमें जो गूगल पिक्सल 6 में जो परफॉर्मेंस और स्मूथनेस देखने को मिल रही है वो हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें जो ओप्पो की तरफ से परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, जो ऑप्टिमाइजेशन देखने को मिलेगी वो हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर हमें रिसेंटली एक न्यूज़ देखने को मिली थी कि ओप्पो और वन प्लस का कोलैबोरेशन हमें देखने को मिला है, दोनों कंपनीज ने अपने कुछ कोलैबोरेट किया है मोबाइल फोन्स के डिज़ाइन वगैरह के लिए। तो पॉसिबल है कि जब ओप्पो की तरफ से हमें ये चिप देखने को मिल जाएगी फ्लैगशिप चिप, तो पॉसिबल है कि हमें यही चिप बाद में वन प्लस के मोबाइल फोन्स में भी देखने को मिले। तो वजह से हमें ये ओप्पो की तरफ से चिप देखने को मिलेगी तो हमें काफ़ी एंड्रॉइड मोबाइल फोन्स में भी देखने को मिल सकती है, जो काफ़ी अच्छी बात है। अगर ये चिप अगर अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगी तो हमें काफ़ी मोबाइल फोन्स में भी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। तो आज के समय में इतना ही था, वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, एंड आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।